हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में मंदिर के बाजार में उस समय श्रद्धालुओं एवं सारे लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया, जब बाजार में नकली किन्नर बनकर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठने वाले युवकों का पर्दाफाश असली किन्नरों ने किया। असली किन्नरों ने नकली किन्नर बनने वाले युवकों के बाल काट दिए और उन्हें असली रूप में ले आए। हुआ यूं कि कई दिनों से चार युवक माता नैना देवी मंदिर के समीप श्रद्धालुओं से किन्नरों का वेश धारण करके श्रद्धालुओं से पैसे मांगते थे और ना देने पर श्रद्धालुओं को बददुआएं देकर पैसे देने के लिए मजबूर करते थे। इसका पता जब इस क्षेत्र के महंत किन्नर को चला तो उसने मौके पर पहुंचकर किन्नरों का वेश धारण करके श्रद्धालुओं को लूटने वाले युवकों का पर्दाफाश किया और उन्हें नंगा करके उनके बाल काट दिए ताकि वे लड़कियों की तरह ना दिखें और फिर से उन्हें युवक बना दिया। इस नज़ारे को देखने के लिए बाजार में श्रद्धालु एवं स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हिमाचल लोक निर्माण विभाग जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की आम सभा निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम अमरोट की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों के लगभग 350 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वसहमति से इंजीनियर प्यारे लाल को चुनाव अधिकारी और चेतराम चौधरी को उपचुनाव अधिकारी नियुक्त किया, जिनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें सर्वसहमति से बिलासपुर के राजेश शर्मा को राज्य प्रधान, शिमला के जेआर कांडा को महासचिव और राजीव चौहान शिमला को वित्त सचिव, गोविंद ठाकुर मंडी को वरिष्ठ उप प्रधान, विजय दीवान हमीरपुर अतिरिक्त महासचिव चुना गया। इस अवसर पर प्रमुख जूनियर इंजीनियर नेता अनूप गौतम भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इससे पूर्व आम सभा ने एक स्वर से एक सर्वसहमत प्रस्ताव में सरकार से मांग की गई सातवां वेतन मान जो जनवरी 2016 से दे है उसकी तुरंत घोषणा की जाए और इस वर्ष से इस वर्ग की रुकी पड़ी पद्धतियों को सीगर किए जाने के आदेश दिए तथा पुरानी पेंशन सुविधा को तुरंत बहाल किए जाए। मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान राजीव शर्मा ने कहा कि ये वर्ग दिन रात प्रदेश के विकास प्रगति में सर्वाधिक मेहनत करके अपना विशेष योगदान देता है और कठिन परिस्थितियों में कार्य करके सरकार की योजनाओं और कार्यों को अमली जामा पहनाता है, इसलिए सरकार को भी उनके कार्यों और अथक प्रयासों के लिए उनके हितों की रक्षा करने में आगे आना चाहिए। सीयू की स्थापना को हिमाचल में 11 साल के लगभग का समय हो गया है, लेकिन अभी भी स्थायी कैंपस का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके लिए केंद्र प्रदेश सरकार सहित सीयू प्रशासन भी बराबर जिम्मेवार है। एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कहा कि वर्तमान में सीयू के 4 कैंपस चलाए जा रहे हैं, शाहपुर, देहरा और 2 कैंपस धर्मशाला में चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके स्थायी कैंपस को लेकर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि प्राध्यापकों की भर्ती की गई है, लेकिन उनके बैठने व कक्षाओं के संचालन का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र हित में एबीवीपी ने सीयू के स्थायी कैंपस को लेकर लड़ाई शुरू कर दी है। जिसे मुकाम तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए एबीवीपी द्वारा आज सीयू में शिक्षा बंद की जाएगी। इसके उपरांत स्थानीय जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बावजूद सरकार नहीं चेती तो स्थानीय जन प्रतिनिधियों सहित सीयूबीसी का घेराव किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन की रणनीति एबीवीपी ने तैयार कर ली है।